हेलो एंड वेलकम, मैं हूं ताहिर इमरान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में निजी एयरलाइंस की जानिब से किराए बढ़ाए जाने की जो खबरें हैं उनके ऊपर, और उन वजूहात का जायजा लेंगे कि ये किराए क्या वाकई बढ़े हैं, और अगर बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं, और इसके पीछे क्या हकायक हैं, और थोड़ा सा एक कंपैरिजन या पर्सपेक्टिव भी देंगे, ताकि ये जो अचानक से इसके ऊपर लोग दानिश्वरियाँ झाड़ रहे हैं और फैक्ट चेकिंग हो रही है, हम उसको ज़रा देखें कि उसके अंदर बुनियाद क्या है और कितनी सच्चाई है, और फैक्ट चेकिंग करने वाले जो हैं वो कितनी हद तक फैक्ट चेकिंग जो है उसके सोर्सेज को और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मलहूज़ खाते रख रहे हैं। December 23, 2022 को मोहम्मद नईम कुरैशी साहब एक सारिफ हैं ट्विटर पर, उन्होंने एक ट्वीट की और उसके अंदर उन्होंने एक नोटोरियस फेक न्यूज़ पैडलिंग जो पेज है स्टार्टअप पाकिस्तान, जिसका काम है झूठ फैलाना और इधर उधर की खबरें उठा के बगैर तस्दीक और के लगाना, उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है और उसके ऊपर लिखा है कि रिटर्न टिकट्स टू इस्लामाबाद ऑफ इस्लामाबाद टू कराची 80,000 तक पहुंच गया, यानी कि जी प्राइवेट एयरलाइंस और PIA ने किराए बढ़ा दिए हैं और जो है वो 80,000 तक टिकट की कीमत पहुंच गई है। वो लिखते हैं, नईम साहब ने इस पर तबसरा लिखा कि एक नया कार्टल जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है मुल्क के अंदर, और डिमांड और सप्लाई के नाम पर लोग जो है वो प्राइस के कीमतों में इजाफे की वजह से सफ़र कर रहे हैं, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एथिकल बिजनेस के ख़िलाफ़ है। अब पहले नंबर पे तो मोहम्मद नईम कुरैशी साहब मुबारक हो, आप जागे हैं, क्योंकि 2022 तक पहुंचते पहुंचते आपको होश आ गया कि इस मुल्क में कार्टल जो है वो एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर है। सो वेलकम टू द रियलाइज्ड वर्ल्ड। जहां तक ताल्लुक है उसका, इसमें कितनी हकीकत है इसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं। मैंने उसी वक्त तकरीबन मुख्तलिफ एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर टिकट्स की प्राइसेस चेक की, और इन साहब के जो मुबैना क्लेम है उसको वेरीफाई करने की कोशिश की। इनकी ट्वीट के ऊपर चूंकि मुझे भी टैग किया गया, तो मैंने उस ट्वीट के बाद मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जाकर जायजा लिया कि उनके ऊपर एक्चुअली अगर मैं टिकट खरीदना चाहूँ तो मुझे क्या प्राइस मिल रही है, और मैं ऑन द स्पॉट टिकट खरीदने की बात कर रहा था। तो 23 तारीख को जब मैंने टिकट्स की परचेज की इंफॉर्मेशन डाली, तो मैंने 25 दिसंबर का डिपार्चर डाला लाहौर टू कराची और 31 दिसंबर का रिटर्न डाला, और मेरा टिकट टोटल जो है वो मिनिमम जो उसका कॉस्ट यानी कि बगैर जिसको कहते हैं वैल्यू, वो 44,282 रुपए का हुआ, जबकि अगर मैं इसको फ्लेक्सी बनाता तो ये तकरीबन 45,046 से नीचे बन रहा था, और अगर मैं इसको एक्स्ट्रा दो बैग्स जिनमें से एक 20 किलो का बैग होता है उसकी तरफ लेके जाता तो ये तकरीबन 50,000 का टिकट बनना था ओवरऑल। ये मैं बात कर रहा हूँ एयर ब्लू की। अच्छा, इसके अलावा मैंने फ्लाई जना जो नई एयरलाइन है रिलेटिवली, उसके ऊपर सेम डेज की सेम यानी कि रिक्वायरमेंट्स डाली, जिसके अंदर मुझे जो कीमत मिली वो 41,500 थी, जिसमें से 4,290 रुपये जो है वो टैक्स था। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ दूसरी एयरलाइंस यानी कि PIA और सरीन के टिकट्स भी चेक किए, और जो एवरेज प्राइस मेरे सामने आ रही थी वो नहीं थी जो ये साहब क्लेम कर रहे हैं या जो वो पेज क्लेम कर रहा है। मैक्सिमम जो वन वे किराया मुझे मिल रहा है, सो तकरीबन इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि 80,000 रुपये कहीं से नहीं मिलते, और ये फाइनल किराया है। उसके बाद जब मैंने ये की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट करके मुझे बताना शुरू किया कि PIA के ऊपर भी यही हाल है कि PIA का किराया भी 80,000 नहीं है, और PIA के ऊपर भी जो मुख्तलिफ जो किराए की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम 50-55 तक जा रही है। अच्छा, अब ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि इस तरह की खबरें हमेशा दिसंबर में आती हैं, और हमेशा दिसंबर में इनके बारे में बात होती, क्योंकि बुनियादी तौर पर दिसंबर में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो प्रिविलेज्ड हैं, वो सफ़र करते हैं, और चूंकि इनमें से बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं और उनके रिश्तेदार होते हैं या जानने वाले होते हैं, तो ये खबर अचानक से वही बनकर जर्नलिस्ट पे नाजिल होती है और समझते हैं कि ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। चूंकि मैंने इस तरह के सब्जेक्ट्स को हमेशा कवर किया है, तो 2018 को दिसंबर ही के महीने में और 21 दिसंबर को मैंने खबर की थी कि कराची से इस्लामाबाद का सफर दुबई से महंगा क्यों है। उसकी हेडलाइन है, BBC उर्दू पर एक खबर शाया हुई थी, आप सर्च करके पढ़ भी सकते हैं, और उसके अंदर मैंने डिटेल में इन तमाम अवामिल का जायजा लिया था कि टिकट्स की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों पड़ जाती है और ये सारी सिचुएशन कैसे काम कर, और जो डोमेस्टिक एयर ट्रैवल है
उसके डायनामिक्स क्या हैं। और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान में तीन एयरलाइंस थी, सिरीन, एयर ब्लू, पीआईए, ठीक है, तकाबुल के लिए मैं कह रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में दो और निजी एयरलाइंस, एयर सियाल और फ्लाई जना का इजाफा हो चुका हुआ है। उस वक्त डॉलर 140 रुपए का था, इस वक्त डॉलर 225-230 और मार्केट में 250 के करीब है। तो आप फर्क का अंदाजा कर सकते हैं कि जो लोग चीखे मार रहे हैं कि जी बहुत महंगा हो गया टिकट, पहाड़ टूट पड़ा है, कयामत आ गई है, वो किस हद तक जो है वो रियलिस्टिकली बात कर रहे हैं। इस बात से बिल्कुल भी ये तासुर मैं देना नहीं चाहता कि जो टिकट्स हैं वो महंगे बिकने चाहिए या जो टिकट्स हैं उनकी कीमतें जो हैं वो, मैं यानी एयरलाइंस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ज़रा झूठ कंसिस्टेंसी के साथ बोलना चाहिए और जो खुराफात हैं उनको शेयर कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बेसिकली बी ऑन वन साइड वंस और फिर अगले दिन आप जो है वो दो साल के बाद उसको चेंज करें। एक चीज़ जो बहुत सारे लोग समझने से कासर हैं, जो उनको समझ नहीं आती कि हमारी जो एयरलाइंस हैं वो दुनिया की बाकी तमाम एयरलाइंस की तरह ऑपरेट करती हैं, जैसे इंडिया में है, जैसे मलेशिया में है, जैसे इंग्लैंड में है, कि अगर आप आज अप्रैल की किसी तारीख का टिकट खरीदेंगे, मैं आपको भी डिमॉन्स्ट्रेट भी करता हूँ ईजी जेट की वेबसाइट पे और रायनेयर की वेबसाइट पे, कि अगर आप 3 महीने से 6 महीने बाद का टिकट खरीदेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। और मैंने £45 पर लंदन से इस्तांबुल सबिहा एयरपोर्ट पर रिटर्न में ट्रैवल किया हुआ है, जबकि वो टिकट जिस दिन मैंने ट्रैवल किया था, क्योंकि मैंने कई महीनों पहले हासिल किया था, जिस दिन मैंने ट्रैवल किया था मैंने उस दिन जाने से पहले चेक किया तो वो टिकट £250 में बिक रहा था। अगर एयरलाइंस की जो मसलन पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं वो सारी सिंगल कैबिन पे चलती हैं, उनके अंदर पीआईए के अलावा बाकी सब के अंदर बिजनेस क्लास कैबिन नहीं होता, जो इकोनॉमी कैबिन होता है उसके अंदर फेयर के रेंजेस होती हैं जिनको फेयर क्लासेस कहा जाता है, उनमें से सस्ती क्लासेस, महंगी क्लासेस और महंगी क्लासेस होती हैं। तो टिकट्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर जब सेल स्टार्ट की जाती है, सेल से मुराद 75% डिस्काउंट वाली सेल नहीं, सेल से मुराद फरोख्त जब स्टार्ट की जाती है, तो उस वक्त जो सस्ते तरीन टिकट्स हैं वो कंज्यूमर को नजर आते हैं। तो जो लोग समझदार हैं, जिनको पता है कि उन्होंने कराची से लाहौर दिसंबर में जाना ही जाना है, वो टिकट्स की खरीदारी जुलाई, अगस्त, सितंबर में शुरू कर देते हैं और उस वक्त उनको टिकट सस्ता मिलता है। सस्ता से मुराद ये नहीं कि उनको 5,000 रुपए का रिटर्न टिकट मिलेगा, उनको बेस फेयर के राउंड अबाउट टिकट मिलेगा, जो कि बेस फेयर पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो तकरीबन 15 के लगभग है, 15,000 के लगभग है जो बेस फेयर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है। अब अगर आप सेम डे टिकट परचेज करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। मैं दूसरी मिसाल देता हूं, मुझे लंदन गैटविक एयरपोर्ट से फ्रैंकफर्ट लुफ्थांसा, जो फुल सर्विस एयरलाइन है जिसमें वो एक डबल रोटी के अंदर चीज और लेटस का एक पीस डाल के आपको ब्रेकफास्ट नाम की एक चीज भी सर्व करते हैं और कॉफी भी देते हैं, तो मैंने £75 का टिकट खरीदा था लुफ्थांसा के ऊपर जाने का, लेकिन उस वक्त मुझे एक या दो दिन पहले आना पड़ा तो मैंने इजी जेट का टिकट, यानी लंदन गैटविक मेन एयरपोर्ट है और दूसरी तरफ फ्रैंकफर्ट मेन एयरपोर्ट है, मैंने कोलोन से लूटन का टिकट लिया था इजी जेट का, क्योंकि मुझे जल्दी आना था वन वे, तो वो मुझे तकरीबन £200 का पड़ा था, क्योंकि मैंने सेम डे मसलन मुझे कल ट्रैवल करना था तो मैंने आज टिकट खरीदा। तो ये बुनियादी तौर पे जो बुकिंग सिस्टम है उसकी एक 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 बेसिक सिस्टम है उसका, जिसके तहत टिकट फ्लाइट के करीब तरीन महंगे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो महंगे हों। आम सारफीन को ये आम महीनों में इसलिए समझ नहीं आता या नजर नहीं आता क्योंकि फ्लाइट्स फुल नहीं होती। अब मसलन अगर हर जहाज के अंदर 180 के करीब सीट्स हैं और उनमें से 110 सीटें बिकी हैं या 120 सीटें बिकी हैं, तो जो फेयर है आपको जो मिल रहा होगा फेयर वो इतना महंगा नहीं होगा। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे फुल जहाज जो है वो हो चुका हुआ है और उसके अंदर बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, तो फिर जो जो एयरलाइन की वेबसाइट है वो आपको महंगा तरीन फेयर प्रोवाइड करेगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही सिस्टम हर एयरलाइन यूज करती हो। बाज एयरलाइंस में जब डिमांड नहीं होती और जहाज अगर फुल नहीं है तो वो टिकट सस्ता
कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैवल कर सकें। सो ये एक बुनियादी चीज है। अब मैं आपको दिसंबर 2018 के जो अपने फिगर्स हैं वो बताता हूँ। उस वक्त मैंने लिखा था कि दूसरी वजह जो है टिकटों की वजह, एक तो छुट्टियां हैं, दूसरा मैंने कहा कि 140 तक जाना है जिसकी वजह से एयरलाइंस के खराजात बढ़े हैं। याद रहे कि पाकिस्तान में सिविल एविएशन के चार्जेस, फ्यूल चार्जेस सब डॉलर में वसूल किए जाते हैं, जिनकी अदायगी एयरलाइंस डॉलर के एवज रुपयों में करती है। यानी कि अगर एयरलाइन ने तमाम चार्जेस पे करने हैं तो वो सिविल एविएशन उनको बताती है कि आपके $4,000 हैं तो वो $4,000 के बराबर रुपए देते हैं, लेकिन जो तायुन है वो डॉलर्स में किया जाता है। तो 6 महीने कबल यानी कि 2018 दिसंबर से पहले 6 जुलाई की बात अगर की जाए तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एयर ब्रिज करने के चार्जेस $300 थे जो 36,000 देती थी एयरलाइन, अब बढ़ के 41,698 रुपए हो चुके हैं। यानी दिसंबर 2018 में वो चार्जेस तकरीबन 42,000 के करीब पहुंच चुके हैं। इस तरह लीज की जो पेमेंट्स हैं पाकिस्तानी एयरलाइंस की जानिब से जहाजों की, वो भी डॉलरों में होती है। सॉफ्टवेयर जो है, सिमुलेटर पर खर्चा जो है, वो सारा का सारा डॉलर्स में होता है, और कमाती पाकिस्तानी एयरलाइंस रुपए में है, डॉलर में नहीं कमाती। सो इसकी इसके बाद फिर ऑयल जो है वो डॉलर्स में उसकी कीमत का तयन होता है, और उसके ऊपर तेल फराहम करने वाली कंपनियों की जारदारी होती है। तो जहां पर यानी जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जहां पर लेट्स से शेल है, स्टेट पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, या टोटल जो है उसके फ्यूल सप्लाई है, पाकिस्तान में मेनली शेल और PSO करती हैं, तो जहां ये दोनों होती हैं वहां आपको रिलेटिवली रेट बेटर मिलता है। जहां पे अकेली PSO है वहां पे आपको रेट महंगा मिलता है, उसकी अदायगी भी डॉलर्स में होती है, और फी फ्लाइट टनों के हिसाब से ऑयल खरीदा जाता है। फिर टिकट की जो कीमत होती है उसमें मैंने 2018 दिसंबर में लिखा था कि ₹2,000 फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है, ₹500 सिविल एविएशन को पार्किंग के देती है, ₹100 सिक्योरिटी चार्जेस देती है, ₹20 एयरपोर्ट टैक्स देती है, जो ये सब एयरलाइन आपके नाम पे इकट्ठा करती है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो टैक्सेस हैं ये इस वक्त जो मैंने उस 2,000 तकरीबन 2620 उस वक्त टैक्सेस बन रहे थे जो हमने उस वक्त शेयर किए थे 2018 में, इस वक्त जो टैक्सेस एंड सरचार्जेस हैं वो ₹4,290 बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्लाइजना की टिकट के। तो मैं बुनियादी तौर पे कहना चाहता हूं कि जो लोग भी फैक्ट चेकिंग करना चाहते हैं या इस तरह की खबरें फैलाना चाहते हैं, ठीक है एक अखबारी ग्रुप के पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर शेयर्स हैं और वो अखबारी ग्रुप अपने जो ब्लॉगर्स कंटेंट है और दूसरे लोगों के जरिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जी बहुत कयामत टूट पड़ी है, और इसलिए क्योंकि वो 13,000 का टिकट सेल कर रहे हैं वन वे कर रहे थे, अब वो भी नहीं कर रहे। लेकिन बुनियादी तौर पे ये फर्क समझने की जरूरत है कि इट्स नॉट एज सिंपल एज जिस तरह लोग इसको बना के पेश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी मार्केट में पहले की निस्बत कॉम्पिटिशन बढ़ चुका हुआ है। जो मैंने कहा कि 2018 के इन लाइन है इस वक्त जो रेट्स का इंक्रीज है या जो रेट्स हैं इस वक्त, वो इसी वजह से हैं कि उस वक्त 3 एयरलाइंस कम्पीट कर रही थी, अब 5 एयरलाइंस कम्पीट कर रही हैं, तो मजबूरन उनको प्राइसेस को एक लेवल पे रखना पड़ा ताकि सारों का एक कंपेटिटिव एज रहे। मार्केट में कैपेसिटी है, काफी कैपेसिटी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चूंकि डोमेस्टिक जो मार्केट है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए एयरलाइंस उसके ऊपर ज्यादा हैविली फोकस नहीं करती। मजबूरी है फ्लाइजना की और एयरसियाल की कि वो डोमेस्टिक के ऊपर फोकस करें क्योंकि ये उनका मेन ब्रेड एंड बटर है। क्योंकि अभी एयरसियाल को इंटरनेशनल की फ्लाइट्स मिली हैं, जो इंटरनेशनल की फ्लाइट्स बढ़ेंगी उसकी आप देखेंगे कि उसकी डोमेस्टिक जो है वो श्रिंक करता जाएगा। सेम कोविड के बाद एयर ब्लू रोजाना की 4 से 5 फ्लाइट चलाती थी लाहौर कराची इस्लामाबाद के दरमियान में, अब उन्होंने कम करके 2 फ्लाइट्स कर दी हैं क्योंकि उनके लिए प्रॉफिटेबल रहना और डिमांड को पूरा करना जो है इतना काफी है, और उनकी इंटरनेशनल जो ट्रैवल है उसके अंदर उनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, उनको ज्यादा फायदा है, तो वो उसके ऊपर चलाती हैं। सो बुनियादी जो इश्यू इसके अंदर सॉर्ट आउट करने वाला है वो पॉलिसी लेवल का है, और पॉलिसी लेवल के बाद जो मैं हमेशा हर अपनी बात में कहता हूं कि सिविल एविएशन का रेगुलेटरी सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाने का। तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं और अननेसेसरी जो ड्रामेबाजियां हैं उनके ऊपर से हमें कॉस्ट सेविंग्स की जरूरत है, हमें कॉस्ट सेव करने की जरूरत है। मसलन मैं मिसाल दूंगा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में, मैं हूं इस वक्त मेलबर्न से सिडनी ट्रैवल किया,
मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मैं गेट से जहाज तक पैदल चल के गया और मैंने आराम से अपना सामान रखा, उनको एयर ब्रिज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने को बहुत लंबे चौड़े शशके नहीं थे, इट वॉज वेरी सिंपल। क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि पाकिस्तान में, ठीक है बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर ये चीज़ है बुनियादी तौर पर कि आप इसकी ज़रूरत आपको लगती है, लेकिन वाई नॉट एयरलाइंस अगर करना चाहती हैं, पैसे बचाना चाहती हैं, तो वाई नॉट एयरलाइंस को इजाज़त दी जाए कि वो गेट जो है उसके पास जहाज लाएं, आप पैदल क्रॉस करके जहाज के ऊपर बैठ जाएं, एयर ब्रिज का खर्चा बचे, आपके दूसरे जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ें। आप यूरोप में देख लें, इजी जेट रायनेयर जब लूटन से ऑपरेट करती हैं तो वहाँ पर एयर ब्रिजेस नहीं हैं इतने ज़्यादा, लेकिन वहाँ पूरी दुनिया सफ़र करती है और जो जहाँ पर सपोर्ट या उसकी ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे शशके जो हैं वो खामखामे अफोर्ड किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे खाना है, फॉर एग्जांपल दुनिया में बहुत सारी एयरलाइंस 2 घंटे की परवाज़ों पर खाना नहीं प्रोवाइड करती, हाँ खाना बेचती हैं। तो ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हाउ दैट इज़ वर्केबल एंड मे बी उससे बहुत सारी कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने बुनियादी तौर पर सफ़र को एक अल्ट्रा लग्जरी टाइप चीज़ बना के रखा हुआ है, जबकि ये एक ज़रूरत है और उसको ज़रूरत के तहत ही होना चाहिए। आप न्यू खान की बस पर बैठ के लंच एक्सपेक्ट नहीं करते, ना ही आप डेवो की बस पर बैठ के कोई फैंसी लंच एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर इन चीज़ों को मेरे ख्याल में सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो बहुत सारी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है बाज़ सूरतों में। थैंक यू वेरी मच।